मेरे जो क्रैश गार्ड हैं ये हैं जाना कंपनी के, और जो सैडल स्टे मैंने लगा रखे हैं ये भी जाना कंपनी के हैं। बार्क बस्टर के मैंने नकल गार्ड लगा रखे हैं, फोग लैम्प मैंने लगा रखे हैं, ये है मैकडो गल्फा के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज की वीडियो होने वाली है, मैंने अपनी डोमिनार पे क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है उसके बारे में मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन सी ब्रांड की मैंने फोग लैंप्स लगा रखे हैं, क्रैश गार्ड कौन से ब्रांड के हैं, मेरा टॉप बॉक्स कौन से ब्रांड का है, और मैंने अपनी कम्फर्ट राइडिंग के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है वो मैं सब बताने वाला हूँ। उसका क्या प्राइस मुझे पड़ा है वो सारा मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैंडलवर राइजर के साथ में। जो हैंडलवर राइजर मैंने लगा रखे हैं ये है जाना के, और ये है मैट ब्लैक कलर में, और ये मुझे पड़े हैं 2599 के। मैं एक बार आपको बाइक पे बैठ के भी दिखा देता हूँ कि मेरा राइडिंग पोस्चर कैसा है इन्हें लगाने के बाद में। अभी इन्हें लगाने के बाद में मेरा पोस्चर जो है वो अपराइट पोस्चर हो रखा है, मुझे ऐसे झुक के नहीं चलाना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा जो बैक पे जो है वो स्ट्रेन नहीं आता है। हैंडलवर राइजर के बाद में बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, जो मैंने करवा रखी है। मैंने लगा रखे हैं सैडल स्टे, जाना के ही हैं ये, जाना कंपनी के हैं, सैडल स्टे विद जरिकन होल्डर के साथ में। सैडल स्टे जो है वो हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे टूरिंग बैग हैं या सैडल बैग्स हैं वो प्रॉपरली सिक्योर हो जाएं, वो हिले ना। राइडिंग के दौरान पे आप हाईवे टूरिंग करते हो तो 80, 90, 100, 110, 130 तक भी पब्लिक जाती है, तो उस टाइम पे वो हिलते रहेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा नहीं राइड के दौरान में। तो इसलिए ये सैडल स्टे लगाते हैं। तो मैंने लगा रखे हैं जाना के, और ये मुझे पड़े हैं 3300 रुपीज़ के, और काफ़ी स्टडी हैं और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। मुझे लगाए हुए 1.5 साल हो चुका है इनको, और इसमें जेरिकन होल्डर भी हैं जिसपे आप जेरिकन माउंट लगा के जेरिकन फिट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए होते हैं। 5-5 लीटर के बोथ साइड आप कर सकते हैं अगर आप सैडल बैग्स नहीं लगा रहे हैं तो। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी एसेसरी जो है या नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो मैंने करवा रखी है अपनी इस डोमिनार पे वो है क्रैश गार्ड, और क्रैश गार्ड मैंने लगा रखे हैं जाना कंपनी के ही हैं, और काफ़ी ड्यूरेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टडी हैं, और ये जो हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ये पूरे स्टडी है, और ये इनके स्लाइडर लगा रखे हैं। स्लाइडर जो क्रैश गार्ड हैं वो मोटरसाइकिल की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो एक अच्छा क्रैश गार्ड होना बड़ा ज़रूरी है, और ये मुझे पड़े हैं 4800 के। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है वो मेरा है जाना का टॉप रैक विद प्लेट। तो ये देख लो, ये जाना का टॉप रैक है प्लेट के साथ में, जो प्लास्टिक की प्लेट के नीचे एक और प्लेट है, तो ये है जाना का टॉप रैक, यहाँ से पूरी एक पार्ट है ये। और ये भाई बैक रेस्ट के साथ में आता है, पिलियन का बैक रेस्ट यहाँ लग सकता है, स्प्रेटली आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये टॉप रैक जो है ना ये कंपेटिबल है विद ओनली जानास के बॉक्स के साथ में कंपेटिबल है, और इसकी लोड कैपेसिटी है 10 से 12 केजी ऑन स्मूथ टारमैक रोड पे। और ये प्लेट आपको दिख रही है, इसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे कि ये प्लेट कौन सी कंपनी की है और मैं कौन सी कंपनी का टॉप बॉक्स यूज करता हूँ, ये आगे चल के वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। और ये जाना का जो टॉप रैक है वो मुझे पड़ा है 3500 रुपीज़ का। ये देखो बैक से कुछ ऐसी लुक आती है इसकी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो मेरी है, मैंने टैंक ग्रिप लगा रखे हैं, ये देखो ये टैंक ग्रिप है ताकि नी और टैंक का जो ग्रिप है वो बना रहे, इसके लिए मैंने ग्रिप लगवा रखे हैं बोथ साइड, एक यहाँ पे भी है। कौन सी कंपनी का इसका तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये 899 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, बिल में मैंने चेक किया था, बिल में मेंशन नहीं किया था कि कौन सी कंपनी का एक लगा रखा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे। मेरी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है बोबो का M1 Pro मोबाइल माउंट है, वो चार्जिंग के साथ में आता है, और इसमें फास्ट USB 3.0 चार्जिंग है, फास्ट USB केबल भी मिली थी इसके साथ में छोटी सी, उससे मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज होता था, बट वो मेरी सचबास वाली जो राइड है उसमें वो जो है वो ख़राब हो गई पानी लगने से ना। इसमें ये वाटरप्रूफ प्लग है, अगर बारिश हो रही है तो इसको आप ढंग से बंद कर दो तो पानी अंदर नहीं जाएगा, और इसमें एक ऑन ऑफ स्विच भी है नीचे, ये 360 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाता है, आप किसी भी इसकी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर लो
ये देखो उसमें एक डैम्पर बाल भी है जिसमें शॉक अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। इस सीट के नीचे बैटरी है तो उसकी जो है केबल बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट होती है और उसमें एक फ्यूज आता है सेफ्टी के लिए। तो ये है भाई बेस्ट चार्जर लगा मुझे अपनी इस बाइक के लिए और ये पड़ा था मुझे 2,999 रुपीज़ का। अभी बात करते हैं नेक्स्ट एसेसरी की जो मुझे एसेंशियल लगी मैंने लगवाई है। जब आप हाईवे पे सारा सारा दिन राइड करते हैं तो आप जब एक्सीलेटर दे के रखते हैं तो आपका हाथ जो है ना सम पॉइंट ऑफ टाइम पे थक जाता है। ऐसे करके रखोगे तो हाथ को थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैंने लगवा रखा है ये क्रूज कंट्रोल। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। और ये है प्रोस्पेक्स का। और देखो इसको अगर आप घुमा के लेके आओगे ना यहाँ तक तो ये इसको कर देता है लॉक। ये हमने घुमा दिया और ये जैसे अपने थ्रोटल इंगेज कर दिया और उसके बाद ये लॉक हो जाता है। इससे देखो लॉक हो गया थ्रोटल। ये देखो थ्रोटल लेके आए हम और लॉक हो गए। तो थ्रोटल ऐसे रख सकते हैं और कुछ देर के लिए अपने हाथ को जो आप थोड़ा आराम दे सकते हैं। तो ये मैंने लगवाया था प्रोस्पेक्स का है और ये पड़ा था 2,250 रुपीज़ का मुझे। और नेक्स्ट जो है इसी के साथ में है, इसको खोल देता हूँ मैं। हाँ नेक्स्ट जो है वो ये ग्रैबोन लगाए थे मैंने। ये देखो ये बहुत सॉफ्ट हैं और कंफर्ट भी है, थोड़ा हल्का फुल्का वाइब्रेशन भी ये ऑब्जॉर्व करते हैं और ग्रिप भी अच्छा रहता है। ये दोनों साइड मैंने लगवाए थे और इसका कोई कंपनी मेंशन नहीं है बिल में, तो मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी का है, बट मुझे ये पड़े थे 1,599 रुपीज़ के पड़े थे। तो ये है ग्रेवोन। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जब विजिबिलिटी कम होती है उस टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो हैं ब्लिंकर्स। और जो ब्लिंकर्स मैंने लगा रखे हैं वो हैं रेस डायनेमिक्स के फ्लैशेक्स हैं और वो 60 ब्लिंक्स पैटर्न्स के साथ में आते हैं। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो शायद आपको दिख रहे होंगे अलग अलग पैटर्न्स हैं। अभी ये पैटर्न्स हैं, आप इसको फिर से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, पीछे से मैं दिखा देता हूँ आपको। और पीछे से भी कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये देखो ये लाइट्स के साथ में भी इंटीग्रेट हो रखे हैं ना अपनी, अंदर दिख रहे हैं आपको बैक लाइट के साथ में या ब्रेक लाइट के साथ में इंटीग्रेट हो रखे हैं। और ये पड़े थे मुझे 1,999 रुपीज़ के। सो ये तो फ्लैशेक्स हो गए और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आपको वीडियो में पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो ये हैं हैंड गार्ड, हैंड गार्ड बोल सकते हैं या विंड डिफ्लेक्टर बोल सकते हैं या क्लच गार्ड बोल सकते हैं, जो भी क्लच लीवर गार्ड जो भी बोलना है बोल सकते हैं। बार्क बस्टर के मैंने नकल गार्ड लगा रखे हैं और बहुत ही प्रीमियम हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी हैं। दोनों साइड देखो आप, इस साइड भी है। जितने बार भी मेरी बाइक गिरी है मेरे जो ये लीवर हैं दोनों साइड के सेफ रहे हैं, बिल्कुल इंटैक्ट रहे हैं, कोई इस पे कुछ कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो टोटल मिला के दोनों नकल गार्ड या हैंड गार्ड मुझे पड़े हैं 13,500 रुपीज़ के। नेक्स्ट एक्सेसरी जो मैंने लगवा रखी है वो है ऑक्सिलरी लाइट। और ऑक्सिलरी लाइट मैंने लगवा रखी है मैड डॉग अल्फा की। ये है मैड डॉग अल्फा की लाइट और ये कवर के साथ में आती है, ब्लैक कवर के साथ में आती है, जिससे क्या होता है ट्रैफिक रूल जो है वो वायलेट नहीं होते हैं। समटाइम्स होते हैं ना सिटीज़ में पुलिस पकड़ लेती है कि यार आपने लाइट लगवा रखी है, तो आप कवर करके जब रखते हैं कवर साथ में ही आते हैं तो वो वाला चक्कर नहीं रहता है। ये कवर्स मैंने निकाल दिए दोनों साइड के, ये देखो तो कुछ ऐसी दिखती है। और ऑन करके भी मैं दिखाता हूँ अभी इनको, ये दिख रही है, ऑन कर दी मैंने लाइट्स। अगर आपको देखना है इसकी एक्चुअल ब्राइटनेस ना, तो आप चिटकुल टू पालनपुर वाला मेरा एक ब्लॉग है उसमें मैंने पूरी रात राइड किया था, तो वो आप एक बार देख लेना ब्लॉग, उसमें आपको इस लाइट की एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो पता चल जाएगी। इस लाइट्स की जो लाइफ है 50,000 आवर्स की लाइफ है, 70% बीम है इसमें और 30% स्प्रेड होती है, तो ये इस लाइट की जो है खासियत है। तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये लाइट पड़ी थी मुझे 15,743 रुपीज़ में। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करके भी बता देता हूँ। इस लाइट के साथ में जो है वो ये स्विच है, ये मैडोका ही स्विच है, साथ में ये हार्नेस है
कनेक्टर्स के साथ में और माउंट है, ये सब इंक्लूड करके ये 15,743 रुपीज की पड़ी है। ये मैडो का स्विच जो मैंने आपको दिखाया वो पड़ा है मुझे 1,598 रुपीज का, और ये जो लाइट्स हैं ये पड़ी हैं मुझे 9,748 रुपीज की। लाइट लगाने के लिए जो वायर हार्नेस जो यूज हुई है वो पड़ी है 1,499 रुपीज की। इन पे ये लाइट्स माउंट हुई है दोनों साइड, और ये पड़े हैं मुझे 1,999 रुपीज के। तो ये लाइट्स है, और इसके फिल्टर लगा के भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये हैं ट्रांसपेरेंट फिल्टर्स के, जो कि लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली आप लगा सकते हैं, बट मैं लगाता नहीं हूँ, मैं ब्लैक वाले ये जो हैं वो लगा के रखता हूँ। और साथ में आते हैं येलो, ये देखो ये इस्तेमाल होते हैं फोग के टाइम पे, फोगी वेदर में जहाँ विजिबिलिटी कम है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो लगा के देखते हैं एक बार। ये देखो पूरी येलो लाइट हो गई अभी। और लास्ट जो एसेसरीज है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये है ब्लैक कलर की जीबी की प्लेट है, इसे मोनोलॉक सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और इसके ऊपर मैं फिक्स करता हूँ जो बॉक्स बाहर रखा हुआ है वो भी है जीबी का ही वो बॉक्स है, वो उसके ऊपर फिक्स करता हूँ, एक बार फिक्स करता हूँ फिर उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं। ये देखो ये मोनोलॉक इसमें सिस्टम है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये है सिस्टम, और इसको थोड़ा सा आप नीचे पुश करोगे ये बंद हो गया, लॉक हो गया। इसके साथ में ये जो प्लेट है इसी बॉक्स के साथ में आई हुई है, और ये है जीबी का अंटार्कटिका एडवांस टॉप बॉक्स जिसकी कैपेसिटी है 42 लीटर। इसकी कैपेसिटी जो तो मैंने आपको बताई दी, और इसमें 3 kg तक आप सामान डाल सकते हैं। वॉल्यूम जो है 42 लीटर का है इस बॉक्स का। तो अंदर से कुछ ऐसा है, ये देख लो आप, ये कुछ अंदर से ऐसा है। इसमें मैंने एक बैग डाल रखा है अपना, और ये स्पेस है पूरा, तो ऐसा कुछ दिखता है। और इसमें एक हेलमेट जो मेरा इजीली आ जाता है, और भी सामान साथ में आ जाता है। अभी बात करें इसके प्राइस की, तो ये पड़ा था मुझे 17,999 रुपीज़ का इस प्लेट के साथ में। और टोटल मॉडिफिकेशन कितने की हुई है इस बाइक में वो टोटल आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो टोटल मॉडिफिकेशन हो रखी है 70,487 रुपीज़ की मेरी इस डोमिनार पे। आई होप आप सभी को मेरी ये जो वीडियो है यूजफुल लगेगी। शायद ये हिमाचल की पहली ऐसी डोमिनार होगी जिसके ऊपर इतना हैवी मॉडिफिकेशन हो रखा है, इतनी प्रीमियम एक्सेसरीज लग रखी हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई और डोमिनार होगी हिमाचल में ऐसी जिसके ऊपर इतनी हैवी मॉडिफिकेशन हो रखी होगी। अगर किसी के पास है डोमिनार, उन्होंने करवा रखी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ गाइज़।